पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। यशोमती मैया के नंदलाला। मैं इसे आशीर्वाद देने आया था, पर इससे मिलकर मैं स्वयं धन्य हो गया हूँ। जी, कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? लल्ला को मिलकर धन्य हो गए का क्या अर्थ है? तो फिर तो आप महाराज से आशीर्वाद दो कि जब बहुत तेजस्वी बने और इसे किसी की भी बुरी दृष्टि कभी ना लगे। प्रणाम। आयुष्मान भवा। नंदराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आइए महाराज। कल्याण हो। पर मैया, दया करो महाराज, दया करो महाराज, बस बस करो। कंस इतना भी निर्दयी नहीं है। तुम सब इतना व्याकुल हो रहे हो तो मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें इस निशुल्क व्यापार की विवशता से मुक्त कर सकता हूं। यदि गोकुल राज नंद अपने पुत्र के साथ यहां आए तो। बलिहारी जाऊं मैं? हाँ। ऐसे ही मुड़ मुड़ के देखते रहेगा ना कान्हा? मार्ग में चलते समय पीछे ना देखा जाता है, सीधा देख, वो भी उनकी ओर जो तुझ पर उल्टा सीधा आरोप लगाती है। चल सीधा, एक बार ठीक से देखने तो दो। क्यों भला? क्योंकि हमारा चित बस तो है जशोदा तेरे लल्ला में, क्योंकि आपके लल्ला ने हमारा चित्त चुरा लियो है जसोदा जी। वो माखन चोर तो पहले ही था, अब चित चोर भी बन गयो। नाना भाभी, जो ये बोलना चाह रही थी कि कान्हा बिल्कुल आप पर गयो है। जैसी चित को मोह लेने वाली मुस्कुराहट आपकी है ना, वैसे ही उसकी भी है। हाँ हाँ, जैसे गहरी सुंदर सुंदर आँखें आपकी है, वैसे ही उसकी भी है। कस्तूरी, सावित्री, अब चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, मुझे मूर्ख ना बना सकती। और जब माखन लगाने की तो आवश्यकता बिल्कुल ना है। तो क्या आप मिलने दोगी हमें काना से? पहले ही कही थी ना, मेरे घर अब तभी आना जब अपना भूल स्वीकार कर लो। कान्हा से मिलने के लिए कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। एक उपाय है। हाँ? भाभी, चाची, हम सब ना यहीं बैठ जाते हैं, कान्हा कभी ना कभी तो आवेगा ही। हाँ? मिलने देने का तो प्रश्न ही ना बनता। पहले आरोप लगाती है, फिर प्रशंसा के पर्वत पे चढ़ाती है। इन्हें लगता है जसोदा भोली है, मान जाएगी। इस बार बिल्कुल ना मानने वाली मैं। पहले मेरे रामू के पीछे पड़ी रहती थी और अब मेरे कान्हा के पीछे पड़ी रहती है। सुन रही है? तू भी तो उनमें से ही है। भाभी, मैं कल फिर से आ जाऊं ना? आना तो पड़ेगा, एक दिन में नन्नत पूरा थोड़ी हो जाएगा। सही कही कान्हा ने, आना तो पड़ेगा। Thank you.
आप सब यहाँ क्यों बैठी हो? अब तेरी तरह हर कोई चापलूसी तो ना करता है, पर कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा ना कान्हा से मिलने के लिए। अब तो बस एक ही आस बची है कि कभी ना कभी तो कान्हा बाहर आएगो और हम सब उससे मिल पाएंगी। मेरा भाग्य अधिक सराहने की आवश्यकता ना है भाभी। नंद भवन में भले ही प्रवेश मिल गया है मुझे, पर ना तो मैं कान्हा से मिल पाई हूँ और ना ही उससे ठीक से बात कर पाई हूँ। पर अब मैं कहीं ना जाऊंगी उससे मिले बिना, आप सबके साथ यहीं बैठूंगी। नंदराज, कैसे बताएंगे और किस मुंह से बताएंगे कि हमने अपनी मूर्खता में कैसो बात कर दो। भानु, बजरंगी, क्या हुआ? आप सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हो? मथुरा में कछु गड़बड़ हुई है का? चिंता मत ही करो आप लोग, जो भी कुछ हुआ है हम सब मिलकर संभाल लेंगे। आप सब लोग थके हुए हैं, तनिक विश्राम कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं। चलो आओ। मुझे ही कछु करना पड़ेगा। मैया, मैं खेलने जाऊं? बोलो ना मैया, मैं जाऊं? ना ना ना, अभी छींक आई ना, ये शुभ संकेत ना है। गड़बड़ तो हो चुकी है मैया। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। लीजिए, पीजिए। भानु, थक गए होगे, जल पी लो। बजरंगी, लो। अरे तन की आवश्यकता का तो ध्यान रखना होगा ना, लो। आप हमें जल क्यों पिला रहे हैं? हम पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं आप? हम इस योग्य ना है नंदराज, हम इस योग्य ना है। हाँ नंदराज, हम इसके योग्य नहीं है, हम इसके योग्य नहीं है। ये सब क्या कह रहे हो आप लोग? हमने आपकी बात ना सुनी नंदराज, आपने कहा था, मना किया था आपने, पर अधिक धन के लोभ में हमने ही उस दुष्ट राक्षस को अपना वचन दे दियो। पर मथुरा जाके पता चलो कि ये सारा षड्यंत्र उस व्यापारी का ना था, उसने तो बस उस अत्याचारी कंस के कहने पे ये सब किया। आपने तो सीखो है मैया, पर स्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो, पर समाधान तो चिंतन करने से मिलता है ना। तो मैं जाऊं? अच्छा बता, कछु गड़बड़ हो जाए तो हमारी रक्षा कौन करते हैं? श्री नारायण। तो तीन बार उनका ध्यान कर ले लल्ला। वाह मैया, मेरी रक्षा के लिए मुझे अपना ही नाम लेने के लिए कह रही हो? क्या सोच रहे हो कर? नारायण 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 नारायण। बस बस, अब मैं जाऊं? जा। इसका अर्थ है कि जे कोई साधारण छल न था, जे सोची समझी योजना थी आप सभी लोगों को फंसाने की।